नमस्कार, मैं शालिनी और आप देख रहे हैं नेक्स्ट नाइन न्यूज। समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव अपनी पार्टी समाजवादी को ऊंचाइयों पर ले जाने की पूरी कोशिश करते हुए नजर आ रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ है बहुजन समाज पार्टी की प्रमुख मायावती। जी हां, मायावती भी अब अपनी बहुजन समाज पार्टी को राष्ट्रीय स्तर पर ले जाने के लिए चुनावी मैदान में कूद पड़ी है। हरियाणा में इनेलो के साथ गठबंधन हो गया है। ऐसे में अब क्या मायावती उत्तर प्रदेश में भी गठबंधन करती हुई नजर आएंगी, क्योंकि अखिलेश यादव पूरी कोशिश करते हुए दिखाई दे रहे हैं कि वो मायावती को मना ले और मायावती इंडिया गठबंधन में शामिल हो जाए। लेकिन क्या स्वामी प्रसाद मौर्य भी मायावती को मनाते हुए नजर आएंगे, क्योंकि बीते लोकसभा चुनावों में स्वामी प्रसाद मौर्य कुशीनगर से अपनी ही सीट से चुनावी मैदान में उतरे थे, लेकिन जीत दर्ज करते हुए नहीं नजर आए। वहीं मायावती के साथ वो जुड़ना चाह रहे थे, बहुजन समाज पार्टी के साथ वो जुड़ना चाह रहे थे और चुनावी मैदान में उतरना चाह रहे थे, लेकिन मायावती ने किसी को भी अपनी बहुजन समाज पार्टी में एकजुट नहीं किया और एक लक्षणों की राह पर चलती हुई नजर आई, जिसके तहत लोकसभा चुनाव में मायावती ने अपने कई उम्मीदवारों को चुनावी मैदान में उतारा, लेकिन उनका एक भी उम्मीदवार जो है वो जीत दर्ज करता हुआ नजर नहीं आया, ना ही उनकी उम्मीदों पर खड़ा होता दिखाई दिया। ऐसे में क्या इस बार जो उपचुनाव होने हैं उत्तर प्रदेश में विधानसभा की 10 सीटों पर, क्या उसमें मायावती स्वामी प्रसाद मौर्य को कोई बड़ी जिम्मेदारी से यहां पर नवाजती हुई नजर आएंगी? क्या स्वामी प्रसाद मौर्य की जो एंट्री है अब वो बहुजन समाज पार्टी में होगी और एक बार फिर से यहां पर जो पिता और जो बेटी है सन्मित्रा मौर्य वो भी मायावती के खेमे में नजर आएंगे? और क्या मायावती इस बार उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव की समाजवादी पार्टी को लोकसभा चुनावों की तरह ही नुकसान देती नजर आएंगी? फिलहाल आपको क्या लगता है हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा, और इसी प्रकार की देश दुनिया से जुड़ी खबरों के लिए देखते रहिए नेक्स्ट टाइम न्यूज।